कहाँ से हो? इंडिया। आप लोग नेपाल से? हाँ, नेपाल से। चैनल के वाहिद खान ब्लॉग्स। यहाँ पे बारिश। गाइस अभी हम लोग नेपाल में स्टे करने वाले हैं। एक्चुअली होटल वगैरह ले लिए, होटल काफी सस्ते में है। नेपाली खाना क्योंकि आप देख सकते हो साग बना हुआ है। नहीं भी जाए ना इंसान तो अपने आप को बोर ना महसूस करे। नो वेट, इसको राउंड भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नेपाल, और मैं गांव में आया हूँ। तो हमारे गांव से ऑलमोस्ट 50 से 55 किलोमीटर दूर है नेपाल, और यहां से हम लोग बाइक से जाने वाले हैं। दो बाइक है और हमारे साथ तीन लोग और हैं, मतलब हम लोग चार लोग हैं। और इधर से नेपाल जाने में ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा तो लगेगा, लेकिन 50 से 55 किलोमीटर दूर है, और वहां पर जाकर बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहो। और मैं पहली बार जा रहा हूँ, और हमारे साथ ये दो लोग हैं, इनको बहुत सारा वहाँ का पता है, नेपाल ऑलमोस्ट जाके आए हुए हैं। और ये हाय, जी हाय, ये और ये, हम दोनों को पहली बार जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो यार वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो पेट्रोल पंप, और कुछ टाइम लगेगा। तो गाइस ये मेन बातचीत चौराहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बस लगी हुई है, नॉर्मल सिद्धार्थ नगर वगैरह जाती है। और यहाँ पे मार्केट है, और वहाँ पे जा रहे हैं दोस्त लोग। तो गाइस अक्सर यहाँ पे हम लोग बचपन में आया करते थे। यहाँ का पूरा आपको यहाँ पे घूम घूम के नेट ब्लॉग बनाऊंगा अगली बार बाकी का पूरा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं तो बाकी रास्ते पड़ रहे हैं। और जहाँ से हम लोग आए वहाँ से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम लोग को आगे यहाँ पे 30-35 मिनट हो चुका है अब तक चल के। अभी हम लोग यहाँ पे सिद्धार्थ नगर जाएंगे, और सिद्धार्थ नगर से हमको वहाँ से क्या रास्ता हमको मालूम है, उनको मालूम है, तो वो लोग चलेंगे और बताएंगे रास्ते में। थोड़ा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा क्योंकि अंदर जाते टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा ताकि आपके टाइम और तो भी आपको फायदेमंद। तो ब्लॉग थोड़ा ज़रूर बड़ा होगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो यार चलते हैं। और भाई ये राजा महल है बाकी का, इसका अलग से शूट करने वाला, बहुत ही बड़ा और बहुत ज़माने का है, और सर कई किलोमीटर में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है। दीवार पुरानी दीवार, वो ज़माने का महल है जिस ज़माने में अंग्रेज रहा करते थे। और देखो आप अंदर देख सकते हो, और यहाँ का गाँव है, गाँव के बाद सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ बाँस ही क्रॉस हो चुके हैं, सिद्धार्थ नगर के लिए हम जा रहे हैं। बहुत लंबी बनी है, मैं तो पता नहीं चलता, बट बहुत लंबी है ना।
जगह है? ये नवीन मंडी है और पूरे जिले में सबसे बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी, मतलब सिद्धार्थ नगर की पूरा है क्या? अच्छा अच्छा, यहाँ से पूरे जिले में हर जगह सप्लाई होता है यहाँ से पूरा, मतलब बांसी और जो भी है, बांसी भी मंडी है। अच्छा, लेकिन इससे बड़ी मंडी नहीं है। अच्छा, भाई ये बहुत ही बड़ी मंडी है, अक्सर यहाँ पे जो जिला है, मतलब जिला सिद्धार्थ नगर है, बिलावा बाजार, बांसी वगैरह सब जगह यहीं से, मार्केट वगैरह जो भी है सारी चीजें यहाँ से जाती है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिद्धार्थ नगर स्टेशन पे, और सिद्धार्थ नगर ट्रेन अगर टाइम पे रहती है तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेन 2-3 घंटा लेट होती है तो हम बस से जाएंगे, क्योंकि बस से जल्दी जब तक यहाँ से ट्रेन छूटेगी तब तक हम बैरामा पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिद्धार्थ नगर स्टेशन पर पहुँचे हैं और यहाँ से 1-1.5 घंटे में हम लोग बैरामा पहुँच जाएंगे, जो कि नेपाल में है, और चलते हैं आगे। तो भाई ये सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन है, और हमारा गांव का जिला सिद्धार्थ नगर कहलाता है। पहले ये नौगढ़ था, अब नौगढ़ से होकर चुका है सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर अब रेलवे स्टेशन का भी नाम हो चुका है। बहुत अक्सर मैं यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ क्योंकि हमारा ज़िला है, लेकिन पहली बार जा रहा हूँ, हमें नेपाल जाना है। तो अभी रेलवे स्टेशन, हमारे जो फ्रेंड है पूछने गए यहाँ से कितने मिनट में ट्रेन रहती है, अगर जल्दी ट्रेन रहती है तो फिर हम लोग जाएंगे ट्रेन से जाएंगे, लेकिन अगर लेट होती है तो हम लोग बस से जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन 1-2 घंटा क्या हुआ ट्रेन क्या हुआ, 3 घंटा लेट है, 2-3 घंटा लेट है, हम लोग बस से चल रहे हैं। तो भाई ट्रेन 3-4 घंटा लेट है, मतलब हमको 3-4 घंटा बैठना पड़ेगा, इससे बेहतर अगर हम बस से जाएंगे तो 3-2.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, कहाँ पे, मतलब कहाँ है ना, वो किधर है बस, किधर है? तो गाइस अंकल ने हमें बता दिया कैसे कहाँ जाना है और ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोग फरिंदा का टिकट लेते हैं, और फरिंदा का टिकट लेके वहाँ से जाएंगे हम लोग बस से, और सुनौली से उसके बाद वहाँ से बॉर्डर पड़ेगा, और बॉर्डर से हम लोग जाने वाले हैं भैरवा। फाइनली हम लोग कोटरहामा पहुंच चुके हैं, और इधर से 1-1.5 किलोमीटर हमको पैदल चलने पड़ेगा नेपाल बॉर्डर पे, ककरामा जो कि बॉर्डर है नेपाल का। और हम लोग नेपाल के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं सीधे लुम्बिनी, और लुम्बिनी से फिर निकलेंगे हम लोग भैरवा। कितना रुपया, मतलब हमारे 3 लोग हैं तो कितना रुपया होगा? 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, हाँ पचासी इंडियन, और इधर का 70-70-140, मतलब उधर का कितना हो गया, इंडियन का 80 रुपये और इधर का 140, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया अपना 50 रुपये ज़्यादा, 50-51 रुपये ज़्यादा, 140 और इधर का 89 ना, मतलब 11 आप लगो बहुत ज़्यादा, 35 रुपया हुआ, हाँ इंडियन आपका होता है 22 रुपया होता है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत फर्क है यार, नहीं नहीं थैंक यू, लाओ दो 20 रुपीज़। और कौन सा है? 10 रुपया क्या सड़क बनोटे, 10 रुपया और 35 रुपया और क्या, चारों दिखा 5, 10, 20 और 100, ये नेपाली पैसे हैं।